हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मैंगो की एक और टेस्टी रेसिपी और वो है मैंगो मस्तानी। ये बेसिकली पुणे में काफ़ी फेमस है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आम का गुदा लिया है, जिसे चार मीडियम साइज आम में से गुदा ये निकाल लिया है मैंने। चीनी है 3/4 कटोरी और दूध आप देख सकते हैं कि आधा बर्फ की तरह है, तो मैं बर्फ के क्यूब्स नहीं डालूंगी। और अब आम का गुद्दा ब्लेंडर में डालने के बाद दूध को मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसके बाद चीनी डालकर इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। इतनी क्वांटिटी में कम से कम 5 ग्लास मैंगो मस्तानी आराम से बन जाएगी। अब इनको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंड करने के बाद मैंगो मिल्कशेक को मैं मिक्सिंग बोल में डाल लूँगी और बाकी का दूध भी अच्छी तरह ब्लेंड करके अच्छी तरह मिला लूँगी। तो चलिए अब मैंगो मस्तानी बनाते हैं। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंगो मिल्कशेक को एक ग्लास में 3/4 हिस्से तक भर लूँगी और फिर मेरे पास यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम है। आप चाहें तो सिर्फ मैंगो आइसक्रीम या सिर्फ वनीला आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं। इन आइसक्रीम्स को मैं स्कूप करके मैंगो मिल्कशेक के ऊपर इस तरह से गार्निश कर लूँगी। फिर आम के कटे हुए टुकड़े हैं, इनको मैं ऊपर से सजा लूँगी। फिर बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता है, इनको भी मैं ऊपर इस तरह से सजा लूँगी। इन सारी चीज़ों से मैंगो मस्तानी का टेस्ट और बढ़ जाता है। और अब आखिर में मेरे पास यहाँ पर चेरी है, इनको भी मैं डाल दूँगी तो ये बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। मैंगो मस्तानी तैयार है, इसे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसका आनंद उठाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। और बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा।